हेलो दोस्तों, तो आज अपनी क्लास स्टार्ट होने जा रही है, तीसरी क्लास, एलिमेंट्री कैनाल। इसे यह टॉपिक आपका कौन सा चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम टॉपिक चल रहा था, उसका आगे अपन क्या करते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल ओरिजिन में किस प्रकार की होती है, आपकी एक्टो एंडोडर्मल होती है। किस प्रकार की होती है, एक्टो एंडोडर्मल होती है। फिर अपन बात करते हैं, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल का जो पार्ट आता है, सबसे पहले कौन सा आता है, आपका माउथ पार्ट आता है। कौन सा पार्ट आता है, माउथ। इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा क्या करवा दूँ, याद दिलवा देता हूँ, जिस प्रकार से अपन ने पढ़ा था। ये नेक्स्ट क्लास हुई थी अपनी, ठीक है। तो इसमें अपन ने देखो क्या पढ़ा था, एलिमेंट्री कैनाल होती है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है, उसमें सबसे पहले माउथ आएगा, फिर बकल कैविटी आएगी, फेरिंग्स फेरिंग्स ओसोफेगस स्टोमक वगैरह ऐसे कंटिन्यू आते रहेंगे। उसी में से अपने सबसे पहला जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो आपका क्या है, माउथ है, ठीक है। जो माउथ है, माउथ होता है, उस पर दरारें पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक दरार पाई जाती है। वो दरार किस प्रकार की होती है, ट्रांसवर्स दरार होती है। और वो दरार ढकी किससे रहती है, किसके द्वारा कवर रहती है, वो कवर रहती है आपके अपर और लोअर लिप्स के द्वारा। किसके द्वारा कवर रहती है, अपर और लोअर लिप्स के द्वारा कवर रहती है। जो आपके लिप्स होते हैं, लिप्स के अंदर ग्लैंड पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड पाई जाती है, लेबियल ग्लैंड पाई जाती है। और लेबियल ग्लैंड का काम होता है आपके लिप्स को कैसा बनाए रखना, नम बनाए रखना। कैसा बनाए रखना, नम बनाए रखना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, लिप्स होती है, लिप्स में मसल पाई जाती है, और उस मसल्स का नाम होता है ओबिकुलरिस मसल्स। कौन सी मसल्स पाई जाती है, ओबिकुलरिस मसल्स पाई जाती है। ये ओबिकुलरिस मसल्स होती है, ये क्या करती है, आपके जो लिप्स होते हैं उनको संकुचित करने या कॉन्ट्रैक्ट करने या क्या करवाती है, कार्य करवाती है। तो ये बात अपने किसके बारे में पढ़ी, माउथ के बारे में पढ़ी। फिर अपन बात करते हैं किसकी, बकल कैविटी की बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट आता है अपना, वो कौन सा आता है, बकल कैविटी आता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ओरल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। जो ओवर कैविटी होती है, ओरल कैविटी होती है, वो चार पार्ट में डिवाइड होती है, आपकी वेस्टिबुल, टीथ, प्लेट और टंग में। टंग को आप जानते हो जीभ बोलते हैं, प्लेट को तालू बोलते हैं, दांत बोलते हैं। और वेस्टिबुल क्या होता है, देखो वेस्टिबुल होता है आपका जो लिप्स हैं, होठ हैं, और जो गम्स होते हैं, जो जबड़े होते हैं, इनके बीच का जो स्पेस होता है, उस स्पेस को क्या कहते हैं अपन, वेस्टिबुल कहते हैं। ये वेस्टिबुल क्या होती है, कैविटी होती है, गुहा होती है। फिर अपन नेक्स्ट बात किसकी करते हैं, अपन नेक्स्ट बात करते हैं फिर टीथ की, दांत की बात करते हैं। दांत को अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या पढ़ेंगे, डीपली पढ़ के चलेंगे, क्योंकि जो आपके टीथ हैं, दांत हैं, उसे क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को क्या मिलते हैं, जरूर जरूर मिलते हैं। तो जो टीथ होते हैं वो ओरिजिन में किस प्रकार के होते हैं, ओरिजिन में होते हैं ये किस प्रकार के, एक्टो मेसोडर्मल होते हैं। अब एक बात अपन यहाँ से और देख लेते हैं कि एक्टो मेसोडर्मल सही है, आप क्या चीज बता रहे हो। देखो अपना जो बॉडी होती है वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के द्वारा क्या होती है, इन्हीं तीनों लेयर्स के द्वारा क्या होती है, निर्मित होती है। तो इन्हीं तीनों लेयर्स में से जो टीथ का निर्माण करती हैं वो कौन सी करती हैं, एक तो एक्टो होती है और एक मीजो होती है। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं, आपके टीथ का निर्माण करती हैं। तो ये बात हमको हम यहाँ से समझनी थी, थोड़ी सी कहती जरूरी थी। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, अपने टॉपिक पे आते हैं, वो है आपका टीथ है। तो टीथ होते हैं, टीथ बोन्स में धसे रहते हैं। बोन्स में क्या रहते हैं, ये धसे रहते हैं। और किससे जुड़े रहते हैं, धस के आपका ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला जबड़ा होता है, उसे मेगजिला बोलते हैं। उसके साथ जो नीचे वाला जो जबड़ा होता है, मेंडिबल्स, उसके साथ में क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, जो टीथ होते हैं वो का अधिकांश भाग होता है वो किस प्रकार का होता है, लिविंग होता है। और कुछ भाग होता है वो किस प्रकार का होता है, आपका नॉन लिविंग भाग होता है। फिर अपन बात करते हैं, तो जो टीथ होता है, टीथ के कितने भाग पाए जाते हैं, जो टीथ होता है आपका, उसके कितने पार्ट अपन को देखने को मिलते हैं। तो जो टीथ होता है वो मोस्टली तीन भागों में क्या रहता है, आपका डिवाइड रहता है। तीन भाग में सबसे पहला आपका भाग होता है कौन सा, क्राउन भाग आता है। दूसरा आता है आपका नेक, और तीसरा कौन सा आती है, आपकी रूट भाग आता है। कौन सा भाग आता है, आपका रूट भाग आता है। फिर अपन जो रूट भाग है, इसमें अपन आगे नेक्स्ट बात करने के चले, तो जो क्राउन होता है, कौन सा सबसे पहले अपन भाग देते हैं, क्राउन होता है। क्राउन बना किसका होता है, क्राउन बना होता है आप इनेमल का बना होता है। किसका बना होता है, क्राउन इनेमल का बना होता है। इनेमल का बना होने के साथ में इसमें कुछ सेल्स पाए जाती हैं, उन सेल्स को बोलते हैं मायोब्लास्ट। क्या बोलते हैं उनको, मायोब्लास्ट कहा जाता है। इन मायोब्लास्ट सेल्स के द्वारा किसका सीक्रेशन होता है, इनेमल का सीक्रेशन होता है। ये इनेमल का निर्माण करती हैं, कौन करती हैं, आपकी
मायोब्लास्ट सेल्स के द्वारा। जो इनेमल है, जो आपके दांत हैं, वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। जो इनेमल होता है वो आपका बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। किस प्रकार का पार्ट होता है? आपके बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ये अपने बात किसकी थी? क्राउन की थी। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, वो नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? नेक के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? नेक के बारे में बात करते हैं। जो आपका नेक होता है वो क्राउन और जो आपका रूट होता है, क्राउन तथा नेक को जोड़ने वाला भाग, नेक नहीं होता ना यहाँ पर, नेक नहीं होगा, ये नेक नहीं होगा, ये नेक नहीं होगा। यहाँ पर आपको क्या लिखना है? यहाँ पर रूट लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है आपको? रूट। जो आपका नेक होता है, ये नेक क्या करता है? क्राउन और रूट को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। किस किस को? क्राउन और रूट को आपस में जोड़ने का कार्य किसका होता है? आपका नेक का होता है। फिर अपन नेक्स्ट बात किसकी करते हैं? नेक्स्ट बात आती है अपन रूट की। जो आपका रूट होता है, रूट रूट बोन्स के साथ, बोन्स के साथ, बोन्स के साथ सॉकेट में क्या होती है? फिक्स रहती है। जो आपकी रूट होती है वो बोन्स के साथ सॉकेट होते हैं, जो बोन्स के सॉकेट बने होते हैं धातु के जबड़ों के अंदर, उसमें क्या रहती है? फिक्स रहती है। अब ये रूट भी क्या होती है? रूट भी अलग अलग दांतों के लिए अलग अलग पाई जाती है। आपके इंसाइजर दांत होते हैं, आपके केनाइन दांत होते हैं, आपके प्रीमोलर होते हैं, वो कौन से होते हैं? मोलर होते हैं। जो आपके इंसाइजर दांत होते हैं उसमें एक रूट पाई जाती है, जो आपके केनाइन दांत होते हैं उसमें भी एक रूट पाई जाती है, जो आपके प्रीमोलर होते हैं और प्रीमोलर में भी कौन से? अपर जो वाले, अपर जो का मतलब जो ऊपर वाला जबड़ा होता है उसके अंदर जो प्रीमोलर दांत है उनमें रूट कितनी पाई जाती है? दो पाई जाती है। जबकि जो लोअर जो होता है, जो नीचे वाला जबड़ा होता है आपका, आपका क्या, अपना अपना जो नीचे वाला जो जबड़ा होता है उसके अंदर कितनी पाई जाती है? एक रूट पाई जाती है। जो आपके मोलर दांत होते हैं, मोलर में भी कौन से? जो ऊपर जो वाले अपर जबड़े होते हैं, अपर जबड़े में जो मोलर दांत पाए जाते हैं अपने, उसमें कितनी रूट पाई जाती है? तीन पाई जाती है। जबकि जो लोअर जो होता है उसके मोलर भाग में, मोलर में, दांत में कितनी रूट पाई जाती है अपने को? दो रूट देखने को मिलती है। तो अपन ने यहाँ से बात किसके बारे में की? क्राउन के बारे में बात की, नेक के बारे में बात की और रूट के बारे में बात की। अब जो अपन क्या करते हैं, इस जो आपका टीथ होता है इसका अपन क्या देखते हैं? छोटा सा डायग्राम देख लेते हैं कि किस प्रकार से क्या क्या भाग अपन को देखने को मिलते हैं। अपन ने बात की थी जो ऊपरी ऊपर भाग पाया जाता है वो किसका बना होता है? इनेमल का बना होता है, ये बात अपन ने की। फिर अपन ने बात की किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। जो इनेमल होता है वो सिक्रेशन किस, कौन सी सेल्स एनिमल का सीक्रेशन करती है? वो अपनी कौन सी होती है? मायोब्लास्ट सेल्स होती हैं। ये बातें अपन ने की। फिर अपन ने बात की एक सेल होती है अपनी ओडोंटोब्लास्ट सेल, ये अपन ने बात नहीं पढ़ी होगी। ओडोंटोब्लास्ट सेल होती है कौन सी सेल होती है? जो आप ये देख रहे हो अंदर की तरफ, ये वाली जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाली जो सेल होती है ये होती है आपकी ओडोंटोब्लास्ट सेल होती है, जो कि किसका सीक्रेशन करती है? आपके डेंटिन का सीक्रेशन करती है। किसका दोस्तों? डेंटिन का सीक्रेशन करती है। जो ओडोंटोब्लास्ट सेल्स हैं इनके द्वारा कुछ पार्ट घिरा रहता है, वो एक कैविटी का निर्माण करता है, उस कैविटी को कहते हैं पल्प कैविटी। जो ये देखो, ये अंदर वाली जो कैविटी है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली जो कैविटी है ये पल्प कैविटी के होती है, और इसमें क्या भरा रहता है? आपका पल्प भरा रहता है। क्या भरा रहता है दोस्तों? पल्प भरा रहता है। इसी के अंदर आप देख पा रहे होंगे नर्व और ब्लड वेसल्स भी इसमें पाई जाती हैं। किसमें? जो दांत होता है, दांत की जो कैविटी होती है, पल्प कैविटी होती है, इसके अंदर नर्व तथा ब्लड वेसल्स भी क्या दिखाई देती हैं? दिखाई देती हैं, 100% दिखाई देती है। फिर अपन आते हैं कौन से भाग पर? अपन आते हैं फिर नीचे वाले भाग पर। जो आपको ये बाहर वाली, ये वाली जो लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये वाली और ये थोड़ी इधर भी पाई जाती है, इसको बोलते हैं प्री ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्री ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्री ओडोंटोब्लास्ट मेम्ब्रेन तथा जो टीथ का भाग होता है ये वाला, ये किसके साथ जुड़ा रहता है? सीमेंट के साथ। ये जो बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसमें क्या भरी रहती है? सीमेंट नाम का एक पदार्थ भरा रहता है, जो क्या करता है इसको सॉकेट के द्वारा या जो बोन्स होती हैं उस बोन्स के साथ में इस टीथ को क्या रखता है? जोड़े रखता है, टूटने नहीं देता। टूटने का मतलब है कि को बाहर निकलने नहीं देता, सॉकेट में क्या करके रखता है? इसको फिक्स करके रखता है। ये अपन ने बात किसके बारे में की? टीथ के बारे में बात की। अब टीथ के बारे में थोड़ी बहुत बातें अपन आगे और भी करनी है कि जैसे टीथ के अलग अलग टाइप्स होते हैं, क्या होते हैं? अलग अलग टाइप्स होते हैं कि अपन देखेंगे किस प्रकार से ह्यूमन में किस किस प्रकार के टीथ
अपन को देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, ह्यूमन टीथ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे अपन, ह्यूमन ह्यूमन टीथ के बारे में अपन यहाँ से क्या करेंगे, बात करेंगे। जो आपका ह्यूमन टीथ होता है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो देखो ह्यूमन टीथ के अंदर अपन बता सकते हैं कि ह्यूमन टीथ में, ह्यूमन के जो टीथ होते हैं वो किस प्रकार के टीथ होते हैं। एक तो याद रखना ये होते हैं डायोफायोडोंट। किस प्रकार के होते हैं, डायो फायोडोंट प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं दोस्तों, डायोफायोडोंट प्रकार के होते हैं। अब डायोफायोडोंट का मतलब क्या होता है, डायोफायोडोंट का कहने का मतलब ये है अपना कि द्विबार दंती। हिंदी में इसे अपन क्या बोलेंगे, द्विबार दंती कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विबार दंती कहेंगे। द्विबार दंती का कहने का मतलब है कि जो ह्यूमन के दांत हैं, जो मानव के दांत हैं, वो कितनी बार आते हैं जीवन में, दो बार आते हैं। दो बार आने का मतलब हुआ कि अपन में कितने प्रकार के दांत पाए जाने लगे, फिर तो दो प्रकार के हो गए। एक तो होते हैं आपके मिल्क टीथ। कौन से टीथ होते हैं आपके, मिल्क टीथ होते हैं। और एक होते हैं आपके परमानेंट। किस प्रकार के होते हैं, परमानेंट होते हैं। अब जो परमानेंट होते हैं वो कितने होते हैं, और जो आपके मिल्क टीथ होते हैं वो कितने होते हैं। जो परमानेंट होते हैं वो होते हैं आपके 20 प्लस 12 इक्वल टू 20, 32। कितने होते हैं, 20 प्लस 12 इक्वल टू 32 होते हैं। जो कि जो मिल्क वाले दांत होते हैं वो कितने देखने को मिलते हैं, 20। कितने को देखने को मिलते हैं, 20। जो ये 20 दांत होते हैं ये जिंदगी में कितनी बार आते हैं, दो बार। एक बार टूट जाएंगे, फिर एक बार आएंगे, फिर एक बार जब आएंगे तब यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। और ये 12 दांत होते हैं ये तो जिंदगी में कभी टूटते ही नहीं है। तो 12 दांत जीवन में केवल कितनी बार आते हैं, एक बार आते हैं। और 20 दांत जीवन में कितनी बार आते हैं, दो बार। और जिन एनिमल्स में जीवन में किसी एक बार ही दांत आते हैं उन एनिमल्स को बोलते हैं पॉलीफायोडोंट। पॉलीफायोडोंट एक बार नहीं, अनेक बार। जो पॉलीफायोडोंट होते हैं इस प्रकार के एनिमल्स में जीवन में दांत क्या आते हैं, बार बार आते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट बात अपन करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरे पॉइंट की अपन बात करने के लिए जाते हैं, तो यहां से दूसरा पॉइंट आएगा अपने थिकोडोंट। कौन सा पार्ट आएगा, थिकोडोंट आएगा। अब थिकोडोंट का मतलब क्या हुआ, थिकोडोंट का मतलब हुआ कि जो ह्यूमन के दांत होते हैं, ह्यूमन के दांत इस प्रकार से मान के चलो, ये क्या है, ह्यूमन का एक दांत है। ये क्या है, ये इस प्रकार से जबड़ों में क्या रहता है, फिक्स रहता है। ये नीचे वाला ये पार्ट क्या हो गया, आपके जबड़े हो गए। इन जबड़ों में ये क्या रहता है, सॉकेट में क्या रहता है, एकदम फिक्स रहता है, निकलता नहीं है, एकदम से क्या रहता है, फिक्स। तो इस प्रकार के थिको मतलब कृत दंती, कृत में दबे रहते हैं ये दांत, इसलिए अपने वाले दांतों को क्या बोलते हैं, थिकोडोंट नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक टाइप और होता है, ह्यूमन के दांत की बात करें अपन, ओनली ह्यूमन का एक टाइप और कौन सा हो गया आपका, हो गया हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट टाइप का, किस प्रकार का, हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट का मतलब हिंदी में क्या हुआ, विषम दंती। विषम दंती बोल सकते हैं हिंदी में, इसे हिंदी में क्या बोल सकते हो, गर्त दंती बोल सकते हो। ठीक है, तो जो तो विषम दंती है, विषम दंती का मतलब हुआ कि अपने जो दांत है वो समान नहीं पाए जाते। एक ही प्रकार के दांत ह्यूमन में देखने को नहीं मिलते। ह्यूमन में किस प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं अपन को, अलग अलग प्रकार के दांत देखने को मिलते हैं। और उसी अलग अलग प्रकारों के दांतों में आपने नाम सुने होंगे इनके, इंसाइजर सुना होगा नाम, एक नाम सुना होगा आपने केनाइन, और एक नाम आपने सुना होगा कौन सा, प्रीमोलर, और एक नाम सुना होगा आपने क्या, मोलर। ठीक है, तो यहां तक अपन क्या कर लेते हैं आज का देख लेते हैं, और बाकी जो नेक्स्ट इसके बारे में आगे अपन जो बातें करेंगे
वो कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक आपको, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने समझाने की क्या किया आपको पूरी पूरी कोशिश की है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, गुड बाय।